વાપીની કેવીએસ કોમર્સ તેમજ નટરાજ પ્રોફેશનલ સાયન્સ કોલેજ ખાતે ત્રીજા વર્ષના વિદ્યાર્થીઓ માટે લીડરશીપ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ફોરમ ઓફ ફ્રી એન્ટરપ્રાઇઝ અને એમઆર પાઈ ફાઉન્ડેશન દ્વારા આયોજિત આ કેમ્પમાં 120 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લઈ જીવનમાં સફળ થવાના પાઠ શીખ્યા હતા. થેન્ક યુ સચિન સર, હમ સબકો ઇનફેક્ટ હમારા ગોલ પતા હૈ કે વી હેવ ટુ ડૂ ધીસ, બટ વાય દેટ ગોલ ઇઝ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર અસ. मेरा नाम सचिन कामत है और मैं फोरम ऑफ फ्री एंटरप्राइजेज और एमआरपी फाउंडेशन इनके लिए लीडरशिप कैंप में एज अ फैकल्टी मैं हूँ. अच्छा, खास करके ये जो आपकी संस्था है वो क्या कार्य करती है, बच्चों को कैसे मतलब इसमें डेवलप किया जाता है? एमआरपी फाउंडेशन का ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट्स में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना, और हम लोग ये टोटल 10 से 12 स्टेट्स में हम लोग ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग लगभग 5 से 7 साल से हम लोग आ रहे हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स स्टूडेंट्स को दे रहे हैं. इसमें अलग टॉपिक्स रहते हैं, जैसे गोल सेटिंग होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, पावर ऑफ हैबिट होता है, नोइंग सेल्फ एंड अदर्स एंड स्किल्स. सो हाउ स्किल्स कैन डिवेलप एंड हाउ इट कैन हेल्प देम इन द करियर. तो करियर के लिए स्किल्स की जरूरत क्या है और स्किल्स डिवेलप करने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, लाइफ में गोल का इंपॉर्टेंस क्या है और अपने हैबिट्स अपने को किस तरह से गोल अचीव करने के लिए हेल्प करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स का इंपॉर्टेंस आज के लिए कितना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग मोड में हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं, और बच्चों में बहुत डेवलपमेंट दिखती है, हर बार उनके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है एंड दे रियली लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस टू डेज. अच्छा, किस तरह से ये पूरा ट्रेनिंग कैंप जो है वो रहता है? ये 2 दिन का कैंप होता है, पहले दिन पे 3 सेशंस होते हैं, दूसरे दिन पे 3 सेशंस होते हैं, और बच्चे लोग को एक्टिविटी बेस्ड उसमें से सिखाया जाता है, लेक्चर फॉर्मेट नहीं होता, ज्यादा करके यहाँ पर एक्टिविटी कराते हैं, और एक्टिविटी में से उन्होंने क्या सीखा, क्या कैसे इंप्लीमेंट करोगे, और पूरा फोकस जो रहता है वो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर रहता है कि आप रियल लाइफ में इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करोगे और लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए और क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, वो इस प्रोग्राम में 2 दिन के कैंप में उनको सीखने मिलता है. अच्छा, खास करके ओवरऑल देखा जाए तो मतलब कि अब तक में हम लोगों ने ऐसे कितने कैंप किए होंगे, कितने बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग दी होगी, और उसके बाद कहीं पर इसका कितना मूल्यांकन देखने को मिला है? ये कैंप तो पिछले अभी 12-15 साल से चल रही है, और स्टूडेंट्स अगर देखे तो पर कैंप में हम लोग मिनिमम 70 स्टूडेंट्स लेते, तो ऐसे देखने जाएंगे तो मतलब 40-50 हजार स्टूडेंट्स तक तो हम लोग ने अभी तक ये किया है. इनफैक्ट वापी में ही कितने तो ऐसे सीए के स्टूडेंट्स है जो हमारे कैंप में थे और आज उनका खुद का फर्म है, खुद के उनके अलग अलग वो अभी जगह जाके वो लोग प्रोग्राम्स करते हैं, उनके फैकल्टी बन के करते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें से फायदा हुआ है. वी गो टू मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, मणिपाल जैसे इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, अलग अलग कॉलेजेस में जाते हैं, और वहां पर वाकई में स्टूडेंट्स को एज लीडरशिप क्वालिटी और एक लीडर के लिए क्या चीजें होनी चाहिए वो डेवलप होने में बहुत मेहनत और बहुत फायदा होता है. हमारे यहाँ 2 दिन का लीडरशिप कैंप रखा गया है जिसमें तकरीबन 120 बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया है और वो सारे फाइनल ईयर के बच्चे हैं. ये जो 2 दिन का लीडरशिप कैंप है वो हम लास्ट 5-7 ईयर्स से कर रहे हैं, और जिसमें हमें बहुत अच्छा ग्रोथ बच्चों में देखा है, और हमने ये भी देखा है कि जो बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है उनमें बहुत अच्छा एक लीडर्स बाहर आए हैं, और हमें बहुत अच्छे लीडर्स के साथ काफी सारे प्रोग्राम्स हमने किए हैं जो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लीड किए हैं. इसके साथ साथ उन्होंने लाइफ में कैसे एक्टिव रहना है, कैसे अपने आप को फैसिलिटेट करना है, कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बिल्डअप करना है, बहुत सारी क्वालिटीज वो लोग इसमें सीखते हैं 2 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में. हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम MR5 फाउंडेशन एंड फोरम ऑफ फ्री एंटरप्राइज के साथ मिलकर करते हैं, और उनका बहुत अच्छा कॉपरेशन रहता है इंडिया को एक नया यूथ को एक नया लीडर्स देने के लिए, एक नया प्लेटफॉर्म देने के लिए. और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हर साल हम उनके साथ ये कैंप करें ताकि हमारे कॉलेज के बच्चों को इसका फायदा रहे, बिकॉज वो लोग जो ट्रेनर्स भेजते हैं वो ट्रेनर्स बहुत ही काबिल है,
एंड उनको पता है कि बच्चों में से कैसे उनकी इनबिल्ट क्वालिटीज बाहर लानी है। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि ये दो दिन का जो कैंप हुआ है, बच्चे बहुत खुश है और वो लोग चाहते हैं कि ऐसे कैंप और होते रहे ताकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, उनका जो स्टेज फियर है वो चला जाए, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डिंग है, कैसे उनकी कम्युनिकेशन स्किल दूसरों के साथ बढ़े, कैसे वो लोग एक्स्ट्रोवर्ट रहे, एंड ओवरऑल ग्रूमिंग उनका बहुत अच्छा हुआ है। आई एम वेरी मच हैप्पी कि हमने ये कैंप इस साल भी कंटिन्यू किया है और आने वाले सालों में भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे।